खबर दो से देखते हैं, जहां पर दिन दहाड़े 4.5 साल के मासूम बच्चे का अपहरण किया गया है। सुबह घर से स्कूल जाते वक्त रास्ते पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एक मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बच्चा मालिक साहू धनौरा निवासी बताया जाता है। बोसी स्थित दी वर्ल्ड किड्स स्कूल मैजिक में सवार होकर जा रहा था। चलती मैजिक गाड़ी को रोककर ड्राइवर को धमका कर यह अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों की निशानदेही पतासाजी शुरू कर दी है। चंद्रकांत देवांगन ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गया है। चंद्रकांत, कितनी देर पहले की घटना है और क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये घटना जो है सुबह लगभग 8:30 बजे की है। 9:08 को स्कूल लगता है, तो स्कूल जो बच्चे का जो घर है मौलिक साहू का, उसके घर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर है। तो उसको ज्यादा दूर होने की वजह से बच्चे को पहले पिकअप उसी बच्चे को किया जाता है। उस दौरान बच्चे को लेके ड्राइवर और केयर टेकर जो है महिला केयर टेकर वो गाड़ी पे जा रहे थे। उसी दौरान जो है दो नकाबपोश सवार जो है वो स्कूल से 3 किलोमीटर पहले इनके घर के 2 किलोमीटर बीच में रोके उनकी गाड़ी को और धमकी से बच्चे को उठा के ले गए। वो एक लाल कलर की अपाचे गाड़ी में सवार थे, ऐसा जो ड्राइवर है उनका बयान है सामने आ रहा है। मुहूर्त पूरे मामले की जो है पत्रकारी करने के लिए पुलिस उनके माता पिता से पूछताछ कर रही है और चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है। और वहीं पे किस तरह बच्चे के माता पिता ने किसी पे शक जाहिर किया, कोई पुरानी रंजिश किसी के साथ? माता पिता के द्वारा इस तरह कोई बयान तो सामने नहीं आ रहा, पर कहीं ना कहीं जिस तरह उनके पिताजी का व्यवसाय है वो एक राइस मिल चलाते हैं और कृषि व्यवसाय से जुड़े, तो कहीं ना कहीं पुरानी रंजीत कहते पैसे के चलते जो है वो बच्चे का अपहरण करने की बात है। ये प्राथमिक दृष्टिकोण पर ये मानी जाता है। जिस जगह से चंद्रकांत ये अपहरण हुआ है, क्या मौके पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो जिसके फुटेज के आधार पर अब तफ्तीश शुरू की जा रही हो? हाँ जी, निश्चित तौर पर उस एरिया में जितने सीसीटीवी फुटेज है पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेज के जो है वो कंगालने का प्रयास करें। और एक सीसीटीवी फुटेज में कुछ जो आरोपी है उन दो आरोपी के बच्चे के द्वारा ले जाने की तस्वीरें सामने तो जरूर आई है, पर अभी पुलिस नंबर और कुछ चीजें क्लियर नहीं होने की वजह से पुलिस जो आगे और इस बारे में जाँच करे। और जहाँ तक पुलिस का कहना है, फर्स्ट प्राइमरी ऑफ फेस में मैजिक ड्राइवर और जो केयर टेकर उससे क्या कुछ जानकारी मिल पाई, क्योंकि यही दो एविडेंस है जिनके सामने अपहरण हुआ है? ये निश्चित तौर पर पुलिस इनसे पूछताछ करेगी कि कब से बच्चे को लाने ले जाने का काम करते थे, किस तरह आते थे जाते थे, और पुलिस उस पूरे मौके की तलाश में जो वहाँ के क्षेत्र है कैसे आते थे जाते थे, ये सारी चीजों को खंगाल रही है। और आरोपी के बारे में भी उनसे पूछताछ करेगी कि किस तरह भूलिया था, कैसे दिखते थे, किस गाड़ी में आए थे। तो उनकी जो बयान है पूरे मामले में अहम माना जा रहा है। उनके बयान के आधार पर ही जो है वो पुलिस उनके हुलिये की तलाश करेगी और जो सारी निशान ले रही है इन्हीं के बयान के आधार पर ही जांची जाएगी। तो एक पूरा मामला अभी तफ्तीश में है पुलिस की और पुलिस पूरे मामले की जांच नहीं होती है। चंद्रकांत, बड़ा सवाल यह है क्योंकि अब अपहरण हुआ है ये तो क्लियर हो चुका है, दिन दहाड़े इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, क्या बच्चे के माता पिता के पास रैंसम के लिए कोई कॉल आया है? जी, अभी तक अपहरण के कॉल की ऐसी कोई पुलिस के द्वारा या माता पिता के द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन जिस तरह दिन दहाड़े ये अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया है पहले पुलिस पर जो सवालिया निशान भी कर रहा है कि आखिर जिस सुरक्षा है वो कहाँ पे है, क्योंकि लगातार अपराध जो है वो जिले की बात हो या प्रदेश की बात हो बढ़ते नजर आ रहे हैं। और पुलिस पर भी सवालिया बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। भारतीय धर्मपुर में